लिए लिया है मैंने ये फ्रेश आम, इसे मैंने धो लिया है और इसको डाल देंगे हम लोग कुकर में। और इसमें डाल देंगे हम लोग, ये मैंने 1 कप पानी लिया है, 1 कप पानी डाल देंगे, 1 कप, और ये 2 कप पानी डाल दिया है। बस इतना रखना है कि इसमें स्टीम एक बार अच्छे से बन जाए। और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, कुकर को बंद कर देते हैं और इसको चलते हैं हम लोग चढ़ाने के लिए। इसको हम अब हम लोग 2 से 3 सीटी लगा देंगे और बस हो गया। ये देखिए हमारा आम एकदम अच्छे से ये पक गया है। इसको अब निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ये देखिए हमारा आम एकदम अच्छे से गल गया है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, मिक्सी में चला लेते हैं जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब। ये देखिए ये मैंने मैंगो का पल्प अच्छे से निकाल लिया है और अब इसको हम लोग मिक्सी में डालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने आम का पल्प था जार में डाल देंगे। ये मैंने कुछ फ्रेश मिंट की पत्तियां ली हैं 7-8 के करीब, उसे भी डाल देंगे इसमें। इन सबको अब अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। मैंगो और मिंट को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, ये डालूंगी मैं ये 1/2 टीस्पून के करीब वाइट सॉल्ट, ये है 1 टीस्पून के करीब ब्लैक सॉल्ट, ये है 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी है, आप चाहें तो नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। और डालेंगे इसमें हम लोग ये जीरा का पाउडर है 1 टीस्पून। ये मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, ये मैंने 1/2 कप के करीब पानी लिया है, उसे भी डाल देते हैं। और अब इन सबको एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो अब इसको हम लोग चलते हैं सर्व करने। फ्रेश एंड हेल्दी। ये डाल दिया मैंने बर्फ। इसे मिंट से डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए ये हो गई है मेरी तैयार टेस्टी और हेल्दी हमारी आम पन्ना तैयार है।